actually love it. जन्मदिन के अवसर पर हमारे साथ मौजूद मैम, क्या नाम बोला? एक मिनट बेटा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मुझे सस्पेंड रखने दो। अच्छा हाँ, तो किस तरह से नाजिया के जन्मदिन पर नाइक मैम आए, तो किस तरह से नायिका आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन करने वाले? बोले तो क्या होता है वो बताओ। जैसे कि तो कैसा मुबारकबाद देंगे और क्या क्या कुछ यहाँ पर आने के जो मेहमान आए हैं, जो सेलिब्रिटी आए हैं, उनको आपने कैसा देखा? माशाल्लाह, नाजिया का बर्थडे तो सनाया ढाबा पे रखे, बहुत अच्छा बर्थडे था। और हर बार हमारी नाजिया सनाया ढाबा पे बर्थडे रखती है, तो अल्लाह उसको ऐसी हिम्मत ताकत दे कि हर बार उसका बर्थडे ऐसी बढ़ चढ़ के बनाए। और आज तो मेरे लाले का भी बर्थडे है, लेकिन मेरे लाले का बर्थडे छोड़ के हमारे लास्ट में उनका भी केक काटा जाएगा। मैम, सारे बर्थडे देखे, सारे प्रोग्राम देखे, इस प्रोग्राम में खास बात क्या नजर आई अभी तक आपको? खास बात तो आनी चाहिए, क्योंकि नाजिया ने क्या दिया, नाजिया को आपने क्या दिया, ये बोल रहे हैं। अपने अपने माणसा वॉल कोण घ्या, बोला ना जरूरी आहे, बोला मराठी मध्ये, आपले माणसा वॉल कोण घ्या, आपले माणसा वॉल कोण घ्या, जय उंटाय। थोड़ा सा 10 मिनट का परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत मजेदार है, थोड़ा ये सब छोटे से रुमाल के साथ शुरू करेंगे। अभी मैजिशियनों की तरह मैंने कोट नहीं डाला हुआ है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एवरीबॉडी। सो ये रुमाल लेफ्ट हैंड के अंदर ऐसे बंद करते हैं, आप लोग अगर सामने आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज़ आते हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ भी सामने आते हैं, चलिए। सो ये ऐसे रुमाल ना हाथ में रखते हैं, बस अब आप अपनी तालियाँ थोड़ी सी रेडी रखना, क्योंकि मैजिक शो में तालियों की जरूरत होती है। ये रुमाल मेरे लेफ्ट हैंड में गया, बस इसको ऐसे 1-2 बोलते हैं,
कॉर्न, ये यहीं से गायब हो जाता है, तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी के पास रुमाल होगा? आपके दुपट्टे का पल्लू थोड़ा सा है, रुमाल है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बस हो गया, बिना रुमाल के काम हो गया। देखो दुपट्टा ले लेते हैं, इस ध्यान से देखना है कि रुमाल में हम यहाँ पर एक होल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऐसे ना बस चुटकियाँ बजानी है, और ये रहा वो रुमाल जो अभी भी गायब हो गया। सो दिस इज टू गुड ट्रिक। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरा सबसे फेवरेट ट्रिक दिखा दो, मेरा आप बस तशरीफ रखिए, आप सही नहीं लगा। अगला गाड़ी वाड़ी घुमा के पहले आ गए, कंप्लीट डेक ऑफ कार्ड ऑल आपको नजर आ रहे हैं, सारे अलग अलग पत्ते, इनमें से कोई भी एक कार्ड मैडम चूज करो, मर्जी है, कहीं कहीं भी बोल दो, कहीं भी बिना देखे, नहीं बिना देखे बोल दीजिए। हाँ एक मिनट देखिए, बोल दीजिए, ठीक है, यहाँ चलिए, इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब ये कार्ड बोलना नहीं है किसी को, सिर्फ देखना है सबको, ठीक है, भी कर सकता है वहाँ देख ले। अब ये पत्ता मैं वापस रख लो, और ये यहाँ पे, ये ट्रिक मैंने इंडिया का टैलेंट पे भी किया, ये बहुत इंप्रेसिव ट्रिक है। ये ताश की पूरी गड्डी यहाँ पर है, और इसमें से एक पत्ता मैडम ने चूज कर लिया, हम इसको थोड़ा सा एक बार ऐसे मिक्स कर रहे हैं बस, और उसके बाद पता है कार्ड कहाँ निकलेगा? देखिए जैसे कि मुझे ना मैडम के बारे में कुछ नहीं पता, जाहिर है आपका मोबाइल नंबर तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, है ना, लेकिन एक बात पक्की है, आपके मोबाइल का, आपके मोबाइल का जो आखिरी नंबर है उस नंबर पे पत्ता है, देख के जाओ नंबर बताइए अपना, लास्ट नंबर आपके मोबाइल का लास्ट नंबर 8 है ना, ये देखिए, ये पहला पत्ता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, और ये सातवां पत्ता, और ये 100% आपने जो चूज किया था वो तानिया वॉश मशीन। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, एक मिनट अच्छा अपने दे दो। अच्छे से थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, दिख रहा नहीं है फोटो में, बर्थडे केक बना के लाया अरे भाई आ गया भाई, अब आपने पीछे से बोल ले लेते क्या बोलेंगी? अरे वाह, ये बोल दिया मेरा भाई, सलमान थोड़ा आ गया, ये अभी हमारा फाइनल कंप्लीट फोटो यही था, और नाचिया का बर्थडे था तो बहुत अच्छा बर्थडे बनाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। निकाल रहा है।
कॉमेडी का मुबारकबाद देने के लिए पठान क्या बोलती पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो हमारी तरफ से नाजिया को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और माशाल्लाह मेरा भी जन्मदिन था, तो हम लोग भी हमारा फंक्शन छोड़ के नाजिया के बर्थडे में लाली गुलाब में पिछले बार नहीं है, तो आपके बार जाना है। मेरा भी जन्मदिन है लेकिन धमाका तो डबल होगा। वॉच पार्टी जब पठान के घर होगी, पटाखे भी आएंगे। के लिए पठान तो आएगा, साथ में पटाखे भी लाएगा। सही है, अपने लोग पहचान के चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक? कोई शक नहीं। थैंक यू। ये वापस से आप देख रहे हैं, सब कुछ एकदम रॉकिंग होने वाला है। कंप्लीट डेक, सारे अलग अलग पत्ते, जिसमें एक पत्ता वो है जो अभी अभी आपने चूज किया बादशाह। अब ये गड्डी ना मैं दो हिस्सों में बांट, आधे पत्ते मेरे राइट हैंड में और आधे लेफ्ट में, ठीक है ना? और इस बार मैडम से पूछे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैडम आप बताएं, मैडम ने जो पत्ता देखा है वो मैं आपकी मर्जी से इस वाले हाथ में दूंगी, ऐसा इसमें पक्का ना? ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ये आपने चूज किया है वो पत्ता भी इसके अंदर निकलेगा। अच्छा, इसमें कहाँ निकलेगा ये खास बात है, ठीक है? एक एक से 20 के बीच में, 1 से 20 नंबर बोलिए, लेकिन ये पक्की बात है आप वही नंबर बोलोगे जिस नंबर पे पत्ता रखा होगा। आप बोलिए। हाँ, 5 नंबर बोला है उन्होंने। देखो ये 7, 8, 9, 15 भी बोल सकते थे ना, 5 बोला और मैंने कहा था वो पत्ता वही होगा, तो एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3 आप अगर 4 बोलते ना तो ये वाला पत्ता बादशाह होता है, जब तू गुलाम है। आपने 5 बोला है और ये रहा पत्ता। अब मुझे तालियां बजा दीजिए आप लोगों के पास। अच्छा, एक और बड़ी खास ट्रिक देखेंगे आज की गड्डी। जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं इनमें एक पत्ता बादशाह है जो उन्होंने चूज किया, वो इस वक्त कोई स्पेशल गार्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो बात है ऐसे करके यहाँ पर बिछा देते हैं नाइसली। अब ट्रिक क्या है, बड़ा गजब जूम करना है यहाँ पे। ये बड़ा स्पेशल ट्रिक है स्पेशल गेस्ट के साथ में, ठीक है? अब इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, तो आप लोग सभी जानते हैं। ऐसे कर लीजिए, आप टच कर दीजिए फिंगर। अब आप देखें 1 और ये 2 और ये 3। भाई ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं आप लोग, वरना ये सबको कंट्रोल करते हैं। फिलहाल इनकी उंगली मेरे कंट्रोल में। एकदम सही बात है, अब ये देख लेते हैं इनकी उंगली मेरे कंट्रोल में है। तो देखिए, अब मैडम आपको किसी भी एक पत्ते की उंगली रखनी है जिसपे आपका दिल चाहता है, हालांकि उंगली वहां जा रही है जहाँ मेरा दिल चाहता है, क्योंकि उंगली मेरे कंट्रोल में। चलिए आप टच कर दीजिए। भाई इन्होंने एक पत्ता टच किया, ये बात क्लियर ना? देखो कमाल की बात है, इतने सारे पत्ते थे आपने ये टच किया और ये रहा बादशाह। बजाइए। एकदम इंटरेस्टिंग है और उसमें लूडो खेलने वाला डाइस, ठीक है? सो ये जो आप देख रहे हैं ना, उसमें कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर डालना, 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर कुछ भी, और मुझे बताना नहीं है कि आपने क्या नंबर डाला। आप बताएं कौन करे इस ट्रिक को, आप करें या कोई और करे, बताइए। अच्छा, इनसे कर भाई, ठीक है? चलिए ये नंबर मैडम, आपको कोई भी नंबर डालना जो आपके दिल में आ जाए वो नंबर। और छुपा के डाल, छुपा के मुझे, मैं घूम रहा हूँ, आप आराम से जो नंबर तुम्हें डालना है वो डालना, वो भी डालना है। बताओ मिलेगा नहीं सब, नहीं मिलेगा सबको, छोटा डब्बा है। चलिए, अच्छा और वाला नंबर आपको याद है जी? मैं इस ट्रिक को ज्यादा मजेदार करने के लिए 2 डब्बे यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर डाल देते हैं। इनसे पूछेंगे, आप बताइए ऐसे उल्टा अंदर रखू या फिर ऐसे करके सीधा रखना? उल्टा रखना। नंबर याद है ना आपको? अब आप देखिए, ये भी बड़ा कमाल की चीज है, मन की बात या फिर मोदी जी करते हैं या उसका डेमो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैडम आपको बोलना कुछ नहीं, आप सिर्फ यहाँ देखें, मैं आपका नंबर बता रहा हूँ आपके एक्सप्रेशन से। अपना नंबर सोचिए आप, जरा आप नंबर सोचते रहे। नंबर 3 आपने 3 नंबर रखा। जो लोग ये ट्रिक पहले देख चुके हैं वो बोलेंगे नहीं, ठीक है? चलिए, क्योंकि चांस है मैडम ने देखा हो शायद। देखिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया है,
गाइस मेरे साथ खड़ी है ब्यूटीफुल बर्थडे गर्ल, मैं आपके हाथ का फोटो खींचूंगा, एक हाथ ये वाले हाथ सीधा सीधा करिए हाथ, बस ये वाले यहाँ फोटो खींची है मैंने, देख रहे हैं आप लोग, मोबाइल हाथ पे रख दिया, अब आप सबको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख लो, ये देखिए ये जो आ रहा है ना स्क्रीन पे, इसका नाम है पप्पू, ध्यान से देखना, ये चल के आ रहा है क्योंकि मेहंदी और उसका कलर एक साइज से कम दिखेगा, इसको पप्पू बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, ये देखो ये कुछ करता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, अभी देखो ये वापस आएगा, गाइस ध्यान से देखो, कैमरा जूम करो, पप्पू वापस आ, पप्पू आ जाओ, अभी एक मिनट, अब मैडम पप्पू आ जा, पप्पू आ जा, यहाँ कुछ है क्या, Oh my God! अबे बहुत बहुत शुक्रिया एक आखिरी ट्रिक और देख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट परफॉर्मेंस है, मुझे मालूम होता है आप लोग आ रहे हैं, पहले अपडेट नहीं किया था उन्होंने, तो मैं अपना पूरा सेटअप लेके आता हूँ, सो ओके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये ना पांच पत्ते हैं, इक्का है, दो तीन चार और पांच, इनमें से एक पत्ता आपको सिर्फ दिल में सोचना है, बोलना नहीं, सोच लिया, वेरी गुड, देखिए अब मैं जब आपसे कहूंगा ये पत्ता आपका है तो आप मुझे हाँ और ना में जवाब दोगे, ठीक है, इक्का आपने ये वाला पत्ता सोचा, ये वाला नहीं सोचा, नहीं मजाक नहीं करना है, नहीं 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 मैं सीरियस हूं, सबके सामने इज्जत खराब हो जाएगी, सच बोलो, सच्ची में क्या सोचा था भाई, सॉरी क्या सोचा था, सही है, ये सही ये सही था भाई, आप भी कर सकते हो, आप मुझे लग रहा था सलाह का जॉब दे, अच्छा गाइस कैमरा यहाँ लेकर आइए, कैमरा आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैडम ने सोचा था एक नंबर, यहाँ पांच पत्ते थे और अब यहाँ सारे एक नंबर है, दूसरा कोई ऑल इक्का, दूसरा कोई पत्ता नहीं है, सारे एक के होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, भैया केक वापस काटना है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अच्छा बच्चा पार्टी, मैजिशियन साहिल मलिक मेरी आईडी है, प्लीज फॉलो कर देना यार, मैजिशियन साहिल मलिक, और जिन्होंने वीडियो शूट किया ब्रदर तुमसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो मुझे सेंड करो, यार ऐसे सेलिब्रिटी काम होते हैं, है ना, मेरा नंबर ले लो आप, मुझे व्हाट्सअप कर देना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेबी, बहुत शुक्रिया, लगाओ सफर हमारा लंबा है, एक बार सामने देख लीजिए, एक बार बहुत बढ़िया, लाइटर के नाम पर थोड़ी सिगरेट वाला निकालने, जहांगीर भाई का बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे करना बहुत आसान है लेकिन उसके सिस्टम को समझना बहुत टफ होता है, अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है, मेहमान नहीं नहीं जो करता है वो समझता है, जो करता है वो समझता है, इसका होता है उसको नहीं पता होता है, यहाँ पर नाजिया मैम का जन्मदिन आज, उसी के साथ में गलती से मैं भी पैदा हुआ कहीं पर और ये पैदा हुए कहीं पर, तो पठान पैदा होंगे, पठान का भी जन्मदिन है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग एक दूसरे में हल्का फुल्का, मैम अच्छा तीन लोगों का बर्थडे एक साथ, एक दो तीन, आज हमारे बॉलीवुड के सिंगर शबाब शाबरी जी का भी बर्थडे है, वेरी गुड, बहुत लोगों का जन्मदिन है तो आज हम लोग इकट्ठा हुए इस खुशी के मौके पर, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये था जन्मदिन का अवसर था, लोगों का फायदा करना था, आज इंस्टा फैमिली के ऊपर मुझे विश्वास है, ये सारे इंस्टा फैमिली के लोग हैं और 1.5 लाख फॉलोअर्स होने की खुशी में भी डबल धमाका ट्रिपल धमाका फोर चौबल धमाका है, देखिए पठान का भी जन्मदिन मेरा भी और नाजिया मैम का भी, और 1.5 लाख इंस्टा पे फैमिली मेरी बनी उसके लिए भी उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में ये भी मेरी फैमिली है, मैं हूँ जानवी रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एफ के,
नाम हमारा अबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहते अच्छा। अरे वालों कैसा होने का ढाबे पे ना तीन तीन चार चार बर्थडे चालू है। एक मिनट होगा जा चला। सुहाना सफर एकदम सुहाना सफर और ये मौसम तुम चिड़ाओ कुछ भी करो तो पब्लिक हंसेगी यूट्यूब पे। अजीम भाई कनपट्टी पे गन रख के ना चाहिए चश्मे में घुस जाएगी गन सब पापा। आइसक्रीम वाला है एकदम, देखने से मालूम पड़ रहा था आइसक्रीम।
और एक नंबर केक है, पूरा आइसक्रीम वाला केक है। लेकिन खान पे को देख के ना एकदम पुराने हीरो ने फिरोज खान ऐसे लग रहा है मालूम है ना सबको नींद आ रही है। मेरे को मालूम था ना केक काटेंगे इतने केक रहेंगे रख गए रहेंगे हमारी केजियन चाइना केक पे है ना। और ये मनिका अपने लाले को गिफ्ट दी है आंबे के गिलास आंबे के गिलास इंशाल्लाह हम लोग पानी पीएंगे। ये देखो बहुत प्यारा है ये लाले को सब में पानी भी नहीं पीना बहुत पसंद है और वही लाले पहले मैं तांबे के लोटे में पानी पीते अपने शरीर का ज्यादा ख्याल रखते होगा जरूरी है। ठंडा पानी नहीं चावल नहीं ठंडा नहीं कुछ नहीं रोज अजीब गरीब इंसान है अरे तो अपने अपना लाले अपने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं एकदम बाबा। और ये फरजाना ने दिए तो लाले मेरी बटाटा वड़ा हमारी पठानिया बहुत प्यारा बना रही माशाल्लाह मेरा बटाटा वड़ा बहुत बहुत पसंद है कपड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू दीदी कलर भी एक नंबर कलर तो हाँ लाली के पास शादी नहीं का कलर है। और अभी हम लोग सनाया ढाबा गए थे ना उधर लाले को गिफ्ट मिल गया और ये हमारी इसमें दी है फिर दोस्त ने हाँ वहीनी ने भी दी थी हाँ मेरे को लिफाफा पाउच है ना बहनी ने तो 5,000 रुपया दी लाली को बोले पापा ने भी दिया था ना वो जहीर ने जहीर भाई ने भी जहीर भाई ने भी पापा दिया था और ये फिर तो कितना प्यारा बना कपड़ा ला दिया बहुत प्यारा ये भी थैंक यू फिर तो जहरा कल्ला शुक्रिया। अरे हमारे भाई जी भी आए थे साथ में आज इम्तियाज भाई इम्तियाज भाई और हमारी बहनी ने भी कल लाई थी चीज हमारे भाई जन ने फिर तो तुम कट हमारे भाई जन भाई जन मॉल के मैनेजर है वहाँ से कितना प्यारा कुर्ता लाया पीला कलर मेरा फेवरेट कलर हाँ लड्डू कलर फेवरेट कलर तो ये मेरा फेवरेट कलर है पीला येल्लो हाँ मुझे पहले से येल्लो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो अभी भी मैं थोड़ा येल्लो कलर कम करने लगी पहले मैं बहुत येल्लो कलर कपड़ा बहुत पहनती थी और ये भी मेरे लिए ही लाए दो कलर के हाँ दोनों इंटर मैंने लाया ये भी कुर्तिया मॉल में से ला लिया हमारे भाई जन ने दोनों की कुर्ती जजाकल्ला भाई जन से कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है बहुत प्यारा कपड़ा एकदम हल्का जजाकल्ला सिलाने का नहीं है और ये हल्का फुल्का नहीं है देखो भारी ब्रांडेड है ये देख के आप पहचान सकते हो कि ये ब्रांडेड है ब्रांडेड मतलब एक कुर्ती है ये 1500 रुपये की ना पहले 1500 की एक कुर्ती है मुझे तो क्या 150 रुपये का कपड़ा दो तो भी मुझे अपन ब्रांडेड नहीं है अल्लाह ने ऐसी ब्रांडेड बना दिए लाए ब्रांडेड कर कर के क्या करने का नहीं पहनने वाले पहनते ऐसा कुछ नहीं है अपना अपना सबका शौक रहता है। ब्रांडेड तो पहले मैंने बहुत पहने 10 रुपये वाली चीज भी ला के रखो पड़े है ना सबसे बड़ी दौलत तो दुआ है उसके हक मोहताज है हम लोग सच में और दुआ से बढ़ते तो कोई चीज नहीं है कुछ नहीं है दुआ है तो सब कुछ है अल्लाह दुआ से क्या नहीं नवाजते अल्लाह दुआ से तकदीर तकदीर नवाजते हैं शक्तिशक ऐसा ब्रांडेड कपड़ा तो पहले मैंने भी बहुत पहनी हुआ अपने नहीं मेरे को इतना मेरे को वो ही नहीं है अपने अपने एक पानी का गिलास भरने का टेबल पे पलंग पे रखने का सुबह नाश्ते के लिए ओके ठीक है ओके डॉक्टर जी चलो जितने लोग ने मेरे को लाले को बर्थडे में दुआ दिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से जगह बैटरी डाउन हो गई थी तो ये बोलना चाहती हूँ कितनी जगह आज बर्थडे में लाले को बुलाए थे बहुत जगह पे नहीं गए केक काटने बहुत से लोग ने बुलाए थे इसलिए सबका सो गया
क्योंकि नाजिया ने बेचारे अगले साल भी बुलाई थी तो नहीं गए थे और ये साल भी बुलाई क्योंकि वो मेन तो हम लोग के लिए सनाया था पर बटे रखते के नज़दीक है तो हम लोग आ सके लेकिन हम लोग ही नहीं जाएंगे तो गलत बात है, जाना चाहिए। जिधर टाइम मिलता हो तो पहुँच भी जाते, जिधर टाइम नहीं मिलता उसके लिए सबसे माफ़ी मांगते क्योंकि नाजिया का लाले का बटे एक साथ में आता है ना लाले। लेकिन आज गए हम सनाया था पे बहुत इंजॉय करें, थोड़ा माइंड फ्रेश करें है ना, टेंशन में रूंगी ना तो बहुत जल्दी कवर में पहुंच जाऊंगी मैं। और हमारी परी का भी बर्थडे 6 तारीख को रहता है, हमारी परी बोले तो मरियम आका की बेटी है, हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्म हैप्पी बर्थडे परी, और अल्लाह हमारी परी को हमारे सोहेल को दोनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा सलामत, दुनिया के हर एक दौलत से हर एक चीज से वो लोग को नवाजे, हर एक खुशी से अल्लाह पाक हमेशा उन लोगों का जोड़ा सलामत रखे और हमारी हूर को भी हमेशा खुश रखे जो हमारी चुलबुली नवासी है ना। तो ये लोग का सबका बर्थडे जब 6 तारीख को आता है और हमारी परी भी हमारा दामाद भी बाहर गए इंजॉय करने के लिए, जाना भी चाहिए भाई। दरगाह पे भी हम लोग दरगाह पे भी गए, उधर बर्थडे भी बनाने गए तो अल्लाह परवरदिगार सबकी उतना सबकी दुआ हमारी बच्ची को परी को लगे, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे और उसके माँ बाप का साया हमेशा उसके सर पे रखे और हमारे संधि समन को भी अल्लाह अच्छा रखे, यानी सोहेल के अम्मी अब्बा क्योंकि वो भी हमारे संधि और समन है ना, भले सगा रिश्ता तो नहीं है तो क्या हुआ, सगे रिश्ते से रिश्ता है ना, ठीक है। और अल्लाह हम सब भेड़ लोग भले और समीर भाई आपको भी अल्लाह खुश रखे नहीं समीर भाई को तो अल्लाह हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे और हर एक औरत को मैं बोलती हूँ अल्लाह समीर भाई जैसा आदमी देवे तो हर एक औरत खुश रहे, जैसे हमारी बहन रहती है अल्लाह हमारी बहन को समीर भाई को बुरी नज़र से बचाया, बुरी नज़र वालों का मुंह खाला भले हम लोग नहीं बात करते, कभी बात करते 2-3 महीने में एक बार, दिल में प्यार है लेकिन दिल में। और बहुत से लोगों को पता है कि देखो कुलसुम आपा जल्दी किससे फ़ोन पे बात करती, देखो ऐसा एक बंदा भी मुझे बता दे कि कुलसुम आपा ने बहुत लपचप करी है, बहुत ज़्यादा देर बात करी है। मेरी KGN महिला मंडल में मैं बात किसी से नहीं करती, बेचारे लोग शिकायत कुछ फंक्शन रहेगा तो ही, वरना मैं फालतू बात नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा फ़ोन पे बात करना कि इसने वो बोली उसने वो बोली ऐसा हुआ वैसा हुआ ये वो नहीं। तो कभी कभी मरियम आपा से भी रिहाना बोस से भी मतलब जितने हम लोग सब लोग हैं कभी कभी बात कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा दादा दुनिया की पंचायत नहीं करते हम लोग। अल्लाह हम सब बहनों का प्यार ऐसी सलामत रखे है ना, बस बहुत से लोग लाले को दुआ दी इसमें से बहुत बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह, ऐसे हमारे बच्चे लोग को भी दुआ देते रहेगा और हमारे आज नाजिया का बर्थडे था, अल्लाह नाजिया को भी हमने है ना खुश रखे सलामत रखे और ऐसी चुलबुली उसको ऐसे ही रखे, ऐसे हंसते खेलते मस्ती मजाक वाली बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए हमारा दिल करता है इसके बर्थडे में जाओ इंजॉय करो है ना। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम लाले। तो आज ये लाले के बर्थडे का 3रा दिन और आज हमारे ऑफिस पे केक काट रही है, कल ही आके बेचारे बच्चे लोग ने सब सोच रहे थे प्लान करने लिए, कल इतने बिजी थे इतनी जगह गए थे तो आधी जगह का तो वीडियो भी नहीं बना पाए थे, कल आज का 3रा दिन है ना। तो आज केक काट रहे ऑफिस पे, मैं परसों से काट रही ना लेकिन अपनी केक तो कल बर्थडे था 6 तारीख को लेकिन 5 तारीख से हम लोग केक काट रहे थे, ऑफिस में तैयारी करके रखे और फ़ोन करे, हम लोग दवाखाना गए थे मेरा ब्लड चेकअप कराने और हसन चाचा को देखने, तो वो लोग फ़ोन पे फ़ोन करे जल्दी आओ अब्बू जी जल्दी आओ अब्बू जी, क्योंकि लाले को सब लोग ज़्यादा इधर अब्बू जी बोलते हैं सब लोग, केक पे भी अब्बू जी लिखा हुआ है सब बच्चे लोग लाले के भाई का लड़का है, और नीचे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है लाले जी हैप्पी बर्थडे अब्बू जी, अब्बू जी देखो सरकार का फोटो और नाजा का, ये कवाली में किसी ने गिफ्ट दिया था हाँ नाजा को, अरे हमारी मेहरू ने हम लोग गिफ्ट दी थी ऐसा ही सेम, एक मेरे पास भी है, दो मनाई थी हमारे महरून ने, एक हमारी महरून जो मेरे घर में आती है खाना बनाने मेरी बच्ची, तो एक लाले को दी थी एक मुझे दिए थे, तो ऑफिस पे लगाए हम लोग ने, वही ऑफिस पे हाँ। तो अभी आ गए ऑफिस पे, अभी इतने दुनियादारी में बिजी रहते कि हम लोग ऑफिस में भी आने ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हम लोग को, और जो फॉर्म का हम लोग ने कल योजना का डाले क्या योजना का क्या लाले जो भारत सरकार की स्कीम निकली है सीएम द्वारा, हाँ हर महिलाओं को
1500 रुपये अकाउंट में आएगा। तो जैसे कि हम लोग ने रेडियो में बोले थे कि इनकम प्रूफ जरूरी है, तो वो चीज़ को सरकार ने अभी कैंसिल किया है। बहुत अच्छा काम हुआ, वो बहुत अच्छा काम किया, जो इनकम प्रूफ बताना बहुत जरूरी था लेकिन वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उसको बनाने बहुत मगजमारी होती है और जल्दी बनता भी नहीं। उसको बनाने के लिए भी पैसा लगता है। तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे बेचारी से 1500 के वादे, वो लोग 6-7 हज़ार, कोई 15 हज़ार लेता है, कोई 20 हज़ार लेता है वो बनाने का, कोई 5 हज़ार बनाता है, लेकिन वो इनकम सर्टिफिकेट गरीब लोग के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत मगजमारी होती बनाने की, है ना। तो सरकार ने वो चीज़ कैंसिल करी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वो सब लेके आओ और बैंक का पासबुक, तो आपका जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने मेरे रील्स पे डाली, आप लोग देखना, वो रील्स पे पूरा एड्रेस भी डाली मैंने किधर हम लोग। अभी हमारे ऑफिस पे रहेंगे शेरू भाई और मोहसिन, ये शेरू भाई है और मोहसिन जो लाले के तो लोग रहेंगे ऑफिस में, क्योंकि हमारी और 2-3 ऑफिस है, तो सब जगह हम रह नहीं पाएंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर होटल, फिर और दुनियादारी नाए गाँव में ना। हाँ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसा भी रहेगा अल्लाह ने चाहा। भाई जिधर पैसा मिलता है उधर जाना जरूरी है, वो काम करना जरूरी है, लेकिन अच्छा वाला काम। हाँ लाले का केक कटिंग कर रहा है, पहली बार अब्बा हमारे वीडियो में आ रहे हैं। हाँ ये लाले के अब्बा है, ये देखो बहुत खुशी हो रही है कि आज अब्बा वीडियो में आए। आमीन आमीन। काटो लाले, पकड़ो ना अब्बा का हाथ। हैप्पी बर्थडे लाले, है ना। अरे हमारे ऑफिस में अब्बा आए, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे अब्बा केक काट रहे हैं। हाँ पहली बार अब्बा मतलब केक काट रहे ऐसा, है ना। और अब्बा ऐसे हमारे अब्बा को अल्लाह हमारे अब्बा को ऐसे सलामत, और हमारे सर पे हमेशा इनका साया रखे। हाँ माँ बाप पे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। और मोहसिन बहुत ज्यादा दादा का ख्याल रखता है एकदम, सके बेटे से बढ़कर अब्बा का ख्याल रखता है। फर्स्ट टाइम अब्बा वीडियो में आने, तो हम लोग को भी चिल्लाते तुम वीडियो बना रहे हो, लेकिन ये सब यादें रहती है और अब्बा की दुआ जिंदगी भर रहेगी, है ना। और ये सब मोहसिन ने आज बर्थडे करा ला देगा। हाँ और अब्बा बहुत एकदम कड़क है, एकदम स्ट्रांग है, तो अब्बा करके लाले के अब्बा एकदम स्ट्रांग है ना। और हम लोग सब ने डर डर के केक काटे, क्योंकि अब्बा कभी वीडियो में नहीं आते और ये सब चीज पे खिलाफ है। और भाग्या भी बहुत अच्छी थी, अभी बहुत दुआ भी की, दुआ भी किए हम लोग, इतनी दुआ भी दी है। और ये तो जरूरी था, दुआ तो बहुत जरूरी है, और आज अब्बा से दुआ मिली वो तो बहुत अच्छी बात है ना। मेरे को खुशी मेरे जन्मदिन कसम से दिल से, है ना। पहली बार मेरा बाप के खाता। अरे सब पूरा क्रेडिट जाता है हमारे मौसी को। हाँ क्योंकि लाले के बड्डे में अब्बा, लाले के किसी के भी घर में बड्डे में अब्बा आते नहीं है, वो नमाजी है। मैं तो ना टिश्यू पेपर, और पहले तो फौज में थे और अभी 5 टाइम नमाजी अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ के खिलाफ है। तो बोलते अपने में बड्डे ने बर जाहिर सी बात है, अपने में बड्डे ने बनाया जाता, लेकिन ये तो क्या अभी बोलते दिखावा है, है ना। तो लाले बहुत खुश है कि आज उनके अब्बा है, अब्बा साथ में केक काटे हैं ना लाले। पहली बार जिंदगी में पहली बार अब्बा को तो भाई बहन लोग भी देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। अरे खानदान, हाँ खानदान ताजुब करेंगे कि आज आपका वीडियो में आए और केक काटे। लाले को जितना प्यार करते हैं आपा, उतना मेरे को भी प्यार करते हैं। क्या बोलते लाले, मेरी बेटी है, मुझे भी आप सही बोल दे, जैसे ये मेरी बेटी है वैसे तू मेरी बेटी, ऐसा कभी समझना नहीं कि मेरा बाप नहीं है। तो हम ऐसे ही प्यार करते रहते, ठीक है। मैं भी थोड़ा इनके अब्बा को देख के डरती हूँ, इज्जत अब्बा है ना कैसा भी है, तो और वो भी हम लोग को सगी बेटी लोग के जैसे ही मेरे को प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। और एकदम अदब में एकदम सिस्टमेटिक केक काटा, क्योंकि अब्बा थे अल्लाह।
तुमको बता रही थी एकदम मतलब पहली बार देखा था मेरे बाप के साथ, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे है। पहली बार फर्स्ट टाइम इतने साल में तो पहली बार तो केक साथ में काट रहे, बचपन में काटे थे ना तुम केक भी कुछ भी। फोटो मेरा बाप कभी एक फोटो नहीं खींचा था मेरा बाप कभी नहीं, वीडियो में भी तो इतने साल के बाद तो आज वो भी मैं जबरदस्ती ली है ना, थोड़ा मस्का लगा रहे तो पहले अचानक भी ले लेते थे, बोलते ओए बच्चा हमारा वीडियो डिलीट करो, हम कैमरे को नहीं देखते, कैमरा हमको देखेगा, हम कैमरा नहीं। ये पहले के जमाने के लोग थे भी इतने स्ट्रॉन्ग, एकदम कड़क और वैसे रहने भी चाहिए। मिलिट्री में थे ना, फौज में थे लाले के अब्बा, लाले के अब्बा को 18 भाषा आती है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये उम्र में भी ना बालन सबीर दरगाह पे जाते नमाज पढ़ने, हाँ वहाँ पे जाते नमाज पढ़ने, और अभी भी बाइक उनको चलाने चाहिए, एक्टिवा विक्टिवा नहीं, बाइक बुलेट एकदम स्ट्रोक एकदम कड़क, घर में एक आधा इंसान ऐसा कड़क रहना भी चाहिए। जब काम कुछ नहीं रहता तो हम होटल पे आते हैं, जाना जरूरी है। और बहुत से लोग अभी हम लोग से मिलने डायरेक्ट हमारे होटल पे आते हैं, और केक भी जो भी गिफ्ट है हमारा होटल पे आ जाता है क्या। और ये केक भेजिए हमारी समा रजाक ने, जो देखिए हर बार हम लोग कुछ ना कुछ टेस्टी रही है। थैंक यू समा, बहुत बहुत शुक्रिया, रजाक अल्लाह समा रजाक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका केक अभी और केक काट रहे हैं पाकर जो लोग अंकल कल कौशल आपा दावत भी दिया, कल कौशल आपा बर्थडे ला लेगा है ना। बिल्कुल, हमारी दोनों बहन का मेरे तरफ स्पेशल इनके बर्थडे का जिंदगी खैर रही तो इंशाल्लाह। अरे आप लोग अभी आगे और बुढ़ापे में बहुत धमाल करने का है, तो शादी हो गई तो हम लोग फ्री हो जाएंगे ना, बहुत मस्ती मजाक जिंदगी में। दोनों बहनों तीनों बहनों का हमारा अच्छी बॉन्डिंग रहे, अच्छा सब रहे, बस यही दुआ करते हैं। सच में लास्ट हम लोग जब बच्चों की शादी वगैरह फ्री हो जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं मिलेंगे, फिर सब बहन लोग घूमते ही घूमेंगे। घूमना मतलब ज्यादा दरगाह की ज़ियारतें करना, ये बहुत ज्यादा पसंद है, अच्छा काम करने का। और ये बिजनेस करते बैठेंगे, बाकी हम लोग घूमते फिरते रहेंगे। हम लोग नहीं बिजनेस तो हम लोग भी करेंगे, इसका सारा नहीं, अपना खुद के बलबूते पे बुढ़ापे में जिएंगे। अल्लाह ने इतना कर दिया है कि अल्लाह और बुढ़ापे में भी किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह ने अल्लाह का मोहताज रहना चाहिए इंसान के, ना बाल बच्चे के मोहताज। और बाकी तो हमारे फॉलोवर्स की तो इतनी भर भर से ये दुआ है, तो क्या बोले है ना, दुआ देने वाले तो हमारे फॉलोवर्स है। पता नहीं 100 में से एक आधे की दुआ सुन ले तो है ना नाने, लाजिम 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 बेशक लाजिम। जजाक अल्लाह समा रजाक के तुमने लाले के बच्चे। थैंक यू।